सरकार ने बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने की दिशा में रोहिणी सेक्टर 27 पॉकेट सी 2 में एक नए स्कूल की सौगात दी है। स्कूल में 121 कमरे, 10 अत्याधुनिक लैब, सेंट्रल लाइब्रेरी, एमपी हॉल, एक योग का कमरा सहित अन्य सुविधाएं भी मौजूद हैं। बीते बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री आतिशी ने स्कूल का उद्घाटन कर इसे बच्चे को समर्पित किया, जहाँ स्कूल के बनने से आसपास के 2000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस दौरान सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बीते 10 वर्षों में अपने बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा पर लगाकर बच्चों के भविष्य को संवारा है। देश भर से लोग दिल्ली में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना लेकर आते हैं, जहां दिल्ली की शिक्षा क्रांति ने बच्चों के सपनों को पूरा करने का काम किया है। सेक्टर 27 में रहने वाले बच्चों को पहले 10-15 किलोमीटर दूर शाहबाद दौलतपुर के स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन स्कूल में बनने से बच्चों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वर्ष 2015-16 में लोगों ने स्कूल की मांग की थी, जिसे पूरा किया गया है। वहीं सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया है। वर्ष 2015 में पहले स्कूलों की हालत बहुत खराब थी, वहीं सरकार ने 2015 के बाद से अब तक 22,000 से ज्यादा नए कमरे बनवाए हैं। को 1979 बेंच का आईपीएस अधिकारी बताकर पुलिस अधिकारियों के गुमराह करने वाले बुजुर्ग और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी द्वारा इंदिरापुरम थाने में अपने साथी के खिलाफ दर्ज केस की रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी बताकर गाजियाबाद कमिश्नरेट के अधिकारियों से पैरवी की गई थी। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए 68 वर्षीय बुजुर्ग आरोपी अनिल कटियाल द्वारा फर्जीवाड़ा कर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में अधिकारियों को झांसे में ले लिया गया था। आरोपी बुजुर्ग दिल्ली के ग्रेटर एक इलाके का रहने वाला है, जहां बुजुर्ग ने खुद को मणिपुर कैडर का 1979 बैच का रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और एमएचए का सिक्योरिटी सलाहकार बताकर न सिर्फ पुलिस कमिश्नर और डीसीपी टंडन हिंडन से मुलाकात कर एक केस के सिलसिले में आरोपी की पैरवी की थी, बल्कि डीसीपी और सीपी के पीआरओ पर भी खुद को पूर्व डीजी रैंक का अधिकार बताकर रॉब काटा था। बताया गया है कि फर्जी आईपीएस अधिकारी ने सीबीआई के हेड को अपना बैचमेट बताने के साथ ही कई आईबी अधिकारियों और देश के विभिन्न राज्यों के पूर्व डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपना दोस्त बताकर पुलिस कमिश्नर को गुमराह किया। शक के बाद की गई जाँच के आधार पर बुजुर्ग का फर्जीवाड़ा सामने आने पर डीसीपी ट्रांस हिंडन के पीआरओ ने आरोपी बुजुर्ग और उसके साथी 69 वर्षीय विनोद कपूर के खिलाफ साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी की गई है। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी 1979 बैच मणिपुर काडर का अपने आप को दर्शाते हुए एक फर्जी कौन आर्टिस्ट पकड़े गए हैं, जिनका नाम है अनिल कटियाल और उसके साथ उसके सहयोगी विनोद कपूर, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। घटना ये है कि विनोद कपूर के खिलाफ एक एफआईआर इंदिरापुरम में दर्ज हुआ था। उस एफआईआर में वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी, उससे बचाव करने के लिए अनिल कटियाल अपने को फर्जी आईपीएस ऑफिसर कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सलाहकार के रूप में वर्तमान में तैनात और पूर्व में आईबी में भी कार्यरत रहे, ऐसे माहौल बना के विवेचनाधिकारी और थानाध्यक्ष और साथ साथ अन्य सीनियर अधिकारियों को दबाव में लेके उनको धमका के मुकदमे की धमकी देते हुए एक ठगी का घटना करने की कोशिश किया है और काफ़ी एविडेंस के साथ गाजियाबाद जीआरपी पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। जब पुलिस पूछताछ के दौरान बताया गया कि अभियुक्त अकेला ही इस घटना को अंजाम देता था। वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वैशाली एक्सप्रेस तथा संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ जाता था और ट्रेन से स्लीपर तथा जनरल कोच यात्रा करता था। यात्रा करने के दौरान वे यात्रियों के साथ मेलजोल बढ़ाकर उनके चाय, कोल्ड ड्रिंक, पानी में नशीली दवा मिलाकर उनके मोबाइल और सामान एटीएम कार्ड ले जाता था। ट्रेन में यात्रियों के मेलजोल बढ़ाने के दौरान उनके मोबाइल में लूडो गेम खेलना और कॉल करने के दौरान उनका मोबाइल का पासवर्ड देख लेता था और बेहोश करने के बाद उनके सामान और मोबाइल को लेकर ट्रेन से उतर जाता था।
यात्री के मोबाइल से उनका एटीएम तथा यूआई आईडी पासवर्ड बदलकर उनके खाते की धनराशि निकाल लेता था, जिसका नाम सगीर था, जो दरभंगा का रहने वाला था। उसके पास से 8 मोबाइल फोन और 2 आधार कार्ड, एक पता नशीली गोली का और एक बिट्टू बैग और 67,150 नगद रुपए बरामद किए गए हैं। श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ श्री प्रकाश डी के आदेशानुसार एवं श्री आशुतोष शुक्ला एसपी रेलवे मुरादाबाद के निर्देशन में आज गाजियाबाद जनपद के जीआरपी टीम को बड़ी सफलता मिली, जब उनके द्वारा एक अभियुक्त मोहम्मद सगीर, जो कि दरभंगा बिहार का रहने वाला है और हाल में अंकुर विहार लोनी में रहता है, वो इनके द्वारा पकड़ा गया। इस अभियुक्त से 8 मोबाइल बरामद हुए और 67,150 रुपए की नकदी बरामद हुई है। जब इन 8 मोबाइलों के स्वामियों से बात की गई तो ज्ञात हुआ कि 8 अभियुक्तों के साथ जहर खुराने की घटना विभिन्न विभिन्न जगहों पर हुई है, लेकिन इसके द्वारा जो ट्रेन टारगेट की जाती थी वो वैशाली और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ही टारगेट की जाती थी। यह टोटल बरामदगी 3,07,150 रुपए की हुई है, जिसमें मोबाइल, कैश और इनके पिट्ठू बैग, आधार कार्ड, इसके पकड़े जाने से पूरे यूपी की 3 घटनाओं का अनावरण अभी तक हो चुका है। बाकी जो 5 घटनाएं हैं उनकी एफआईआर के संबंध में जानकारी की जा रही है। श्रीमान